जय श्री राम, 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 पुलिस सुरक्षा जो है वो तैनात है। जय श्री राम, जय श्री राम, ये नारा पूरे देश में गूंज रहा है क्योंकि 500 साल बाद अयोध्या की धरती पर रामलला विराजमान हुए, जिनका सनातनी धर्म के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अब उनका इंतजार खत्म हो गया। पीएम मोदी के हाथों के द्वारा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई, लेकिन इस बीच भारतीय सैनिकों की एक वीडियो सामने आ रही है जो पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में देखी जा रही है। हालांकि वीडियो कब की है हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन राम मंदिर उद्घाटन के बाद भारतीय सैनिकों का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों से जय श्री राम बुलवा रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं भारतीय सेना के 5 जवान और चीनी सैनिकों के साथ जवान खड़े हैं, जिनमें भारतीय जवान चीनी सैनिकों को जय श्री राम बोलने को कहते हैं। तब चीनी सैनिक जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर देते हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। थैंक यू। तो सुना आपने, चीनी सैनिक भी जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। आपको बता दें कि 22 जनवरी के उद्घाटन के बाद अयोध्या में लोगों की भीड़ दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। श्रद्धालुओं का लगातार भगवान राम के दर्शन के लिए तांता लगा हुआ है। अब जब हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो देखिए क्या तस्वीर सामने आई। राम मंदिर की ओर ये तस्वीर आप देख सकते हैं। अयोध्या के धाम में जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं और भक्त जो है वो बड़ी तादाद में है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जो दर्शन के लिए भक्त आए हैं उनके लिए व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। और ये तस्वीर अयोध्या धाम की है, अयोध्या के मंदिर की है, जहाँ पर जिस तरीके से दूर दराज से जो श्रद्धालु आए हैं उनके दर्शन की जो व्यवस्था है वो बनाई जा रही है। पुलिस सुरक्षा जो पूरी तरीके से तैनात है, बड़े आला अधिकारी जो है वो गेट के बाहर है, व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। यानी कि भीड़ को समझाया जा रहा है कि दर्शन होंगे, आप चिंता ना करिए, दर्शन कराए जाएंगे। देखिए भक्त जो हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से बैठ गए हैं और दर्शन के लिए भक्त यहाँ पर तैयार है। देखिए जय श्री राम का उपदेश हो रहा है। पुलिस सुरक्षा जो है वो तैनात है। भक्त जो है वो इस वक्त जो शांति का जो माहौल है वो बन चुका है। यानी कि पुलिस जो व्यवस्था है बना रही है, दर्शन कराए जाएंगे, सभी को समझाया जा रहा है और जो आला अधिकारी हैं वो दर्शन के लिए सभी को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें देख सकते हैं हम, उच्च अधिकारी जो हैं वो अभी व्यवस्था को बना रहे हैं। अगली सुबह है, अगला दिन है और ये लोगों को, भक्तों को बैठाया जा रहा है। देख सकते हैं अधिकारी जो हैं वो भक्तों को बैठा रहे हैं, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग बैठ जाइए, व्यवस्थाएं बनाइए, व्यवस्था बनेगी, आपको दर्शन कराया जाएगा। जो आला अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, सबके दर्शन होंगे। ये तस्वीर आप देखिए, सबको दर्शन कराए जाएंगे, भगवान राम के सबको दर्शन कराए जाएंगे। पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, व्यवस्था बनाई जा रही है और सभी से निवेदन भी किया जा रहा है कि आप लोग बैठिए, आपके दर्शन कराए जाएंगे। रामलला के दर्शन के लिए आप लोग आए हैं, भक्त हैं आप लोग, आपका स्वागत अयोध्या में हो रहा है। तो देखा आपने किस तरह से पूरे देश में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और राम मंदिर का उत्साह पूरे देश में दिखाई दे रहा है। जिस तरह से भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों से जय श्री राम बुलवाया वो भी देखने लायक था। हालांकि ये वीडियो कब का है इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, तो आप इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, साथ ही इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।